बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम राय नूर है और मैं आपको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 14 BCOM पार्ट 1 पेपर BMS बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स और इसकी एक्सरसाइज 14.2 जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। और 14.2 के लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है आज डिस्कस करना है और क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करना है। ये दोनों क्वेश्चंस आखिरी लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर जो है वो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से रिलेटेड है और इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम पहले आपने आईकॉम में भी पढ़े हैं चैप्टर 5 में। अगर आपने FSC ICS किया हुआ है तो चैप्टर 3 था फर्स्ट ईयर में। तो आइए बेटा ये क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा कि अ सेल्स मैन ऑफ अ फ्रूट शॉप सोल्ड 2 dozen ऑफ बनाना एंड 3 kg ऑफ एप्पल्स एंड अर्नड 210 rupees। यानी कि पहले 2 dozen बनाना है, फिर 3 kg एप्पल्स हैं और इनकी जो इनसे वो अर्न करता है सेल्स मैन वो है 210 rupees हैं। नेक्स्ट डे ही सोल्ड 3 dozen ऑफ बनानास एंड 4 kg ऑफ एप्पल्स से वो 290 rupees जो है वो अर्न करता है। तो बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या है कि हमें क्रैमर रूल जो है वो लगाना है। डिटरमिन द पर केजी प्राइस ऑफ एप्पल्स, पर डजन प्राइस ऑफ बनाना एंड प्राइस ऑफ ईच बनाना। ये हमने 3 चीज़ें जो हैं वो इसमें फाइंड करनी है बेटा और इसका सोल्यूशन हम अब स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को ऐसे ही लगेगा जिस तरह से आप मेरे पास बैठ के पढ़ रहे हैं, सही है ना। हम एक टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हैं, इसी तरह से आपको ये लेक्चर जो है वो फील होगा। अब हम लेट कर लेते हैं कि जो एक्स नंबर ऑफ बनाना है, 2 dozen ऑफ बनाना यानी कि 1 dozen बनाना की जो प्राइस है ना वो एक्स रुपीज़ है, ये हम लेट कर लेते हैं। तो प्राइस ऑफ या प्राइस पर डजन बनाना, तो ये लिख ली एक्स रुपीस। और प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल, ठीक है, 1 kg एप्पल जो हैं उसकी प्राइस जो है बेटा वो मैंने लेट कर ली वाई रुपीस है। अब जैसे जैसे स्टेटमेंट लिखी हुई है वैसे हम इक्वेशन बनाते जाते हैं। पहले पर डजन बनाना की अगर प्राइस एक्स रुपीज़ है तो 2 dozen की कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। अगर 1 kg एप्पल की जो प्राइस है वो वाई रुपीज़ है तो 3 kg एप्पल्स की कितनी प्राइस हो जाएगी, प्लस 3y इज इक्वल टू अर्नड 210 rupees। तो 210 के इक्वल इसको लिख लेंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट डे ही सोल्ड 3 dozen ऑफ बनानास, तो बेटा ये इक्वेशन बन जाएगी 3x एंड 4 kg ऑफ एप्पल्स हैं तो प्लस 4y, और इनकी जो टोटल प्राइस है, टोटल जो अर्निंग हुई है वो बेटा 290 rupees है। तो इस तरह से ये हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई हैं और उन्होंने कहा है कि आप इसको जो है वो बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट सॉल्व करें। तो हमें क्रैमर रूल से ये सॉल्व करना है क्योंकि जब भी डिटर्मिनेंट्स मेथड या क्रैमर रूल आएगा तो एक ही मेथड है, बेसिकली एक मेथड के ये 2 नाम हैं। ओके बेटा, अब चलते हैं इसके। सबसे पहले जो है हम इनके कोफिशेंट ऑफ मैट्रिक्स जो है वो बनाते हैं। तो 2, 3, 3, 4 ये बेटा आ जाएगा सेकंड मैट्रिक्स एक्स वाई, और ये आ जाएगा 210 और 290। अब इस तरह के क्वेश्चंस आपको पता है आपने पहले भी किए हुए हैं, 14.1 में भी क्वेश्चन हैं। अब मैंने इस मैट्रिक्स को कह दिया कि ये ए मैट्रिक्स है 2, 3, 3, 4, और इसको जो है वो मैंने बी मैट्रिक्स कह दिया 210 और 290। अब बेटा सबसे पहले जो है ना हमने ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 2, 3, 3, 4 का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो ये किसके इक्वल होगा, 2, 4 ज़ार 8 माइनस 3, 3 ज़ार 9, तो 8 माइनस 9 माइनस 1, तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी -1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब हम चलते हैं x और y बेसिकली हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो x है वो अब इक्वल होगा x
इज इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट, और वाई इक्वल होगा बेटा डेल्टा वाई ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब यहाँ से जो डेल्टा एक्स आपने फाइंड करना है, डेल्टा एक्स के लिए हमने क्या करना बेटा, वही मेथड पुराने वाला कि जो ए मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है 2 3, उसकी जगह पे हमने जो बी मैट्रिक्स है वो रिप्लेस कर देना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा बी मैट्रिक्स फर्स्ट कॉलम की जगह पे लिखा 210 और 290, और सेकंड कॉलम जो है वो 3 4 मैंने लिख लिया बेटा। सही है, फर्स्ट कॉलम 2 3 की जगह पे 210 और 290, और सेकंड कॉलम 3 4 जो है वो एज इट इज़ लिख दिया बेटा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, और मैं कैलकुलेटर जो है वो उठा लेता हूँ, दूसरे सोफे पे पड़ा था। तो अब देखें, यह आ जाएगा 210 इंटू 4 माइनस 290 इंटू 3। तो ये बेटा आ जाएगा 210 को 4 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आ जाएगा 840 माइनस 290 इंटू 3 किया तो ये आ जाएगा 870। अब 840 में से 870 माइनस किया तो माइनस 30 आ गया, और ये डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई बेटा। अब हमने फाइंड करनी है डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू, डेल्टा वाई के लिए क्या करना है, फर्स्ट जो ए मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ रहेगा, यानी कि 2 3 रहेगा, और सेकंड कॉलम की जगह पे यानी कि 3 4 की जगह पे हम लिख देंगे 210 और 290। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 290 माइनस डिटर्मिनेंट का लिखा, और उसके बाद 3 इंटू 210, तो ये आ जाएगा बेटा 290 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो ये आ जाएगा 580 माइनस 210 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो ये आ जाएगा 630। तो 580 माइनस 630 किया तो ये आ जाएगा बेटा माइनस 50। ओके, अब जो है हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स के लिए फार्मूले जो अभी हमने ऊपर लिखे हैं उसमें वैल्यूज पुट कर दी, डेल्टा एक्स की जगह पे लिखेंगे माइनस 30, और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी हमारे पास माइनस 1, तो ये आ जाएगा बेटा प्लस 30। इसी तरह वाई इज़ इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर ए डिटर्मिनेंट, तो डेल्टा वाई की वैल्यू हमने क्या निकाली है माइनस 50, और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है माइनस 1, तो ये आ जाएगा बेटा 50। अब आगे चलते हैं, तो उन्होंने बोला था डिटरमिन द पर प्राइस ऑफ, सबसे पहले जो ए पार्ट है उन्होंने बोला था कि एप्पल्स की जो है ना पर प्राइस बताएं, पर केजी प्राइस बताएं। तो फर्स्ट पार्ट के लिए एप्पल्स को जो है ना हमने वाई से डिनोट किया था। ओके, तो यहाँ से हम लिख लेंगे प्राइस पर केजी एप्पल। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा 50 रुपीज़, ऐसे ही है 50 रुपीज़। सेकेंड पार्ट में उन्होंने पूछा है पर डजन प्राइस ऑफ बनाना बता दें, तो इसमें आपने एक्स की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पे लिख दें प्राइस पर डजन बनाना, और ये कितने आए बेटा 30 रुपीज़। ओके, थर्ड पार्ट में उसने कहा है कि प्राइस ऑफ ईच बनाना, अब प्राइस ऑफ ईच बनाना फाइंड करने हैं, तो हमारे पास एक डज़न जो बनाना है उसकी प्राइस कितनी है 30 रुपीज़ है। 30 को अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूं तो एक बनाना की जो प्राइस है वो आ जाएगी, तो बनेगी 30 डिवाइड बाय 12 किया तो ये बेटा 2.5 रुपीज़ जो है वो एक बनाना की प्राइस जो है वो हमें मिल जाएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये कंप्लीट होता है बेटा। समझ आ रही है आप लोगों को, मेन काम ये होता है इसमें कि हमने इक्वेशंस बनानी होती हैं, इक्वेशन जब बन जाती हैं तो उस पर फिर क्रैमर रूल या इन्वर्स मेथड लगा लेते हैं। यहाँ पर क्योंकि यूजिंग डिटर्मिनेंट्स बोला हुआ है तो हमें क्रैमर रूल लगाना पड़ा, और इस तरह से ये पहले एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड की, फिर उसके तीनों पार्ट्स जिस तरह से उन्होंने बोले हुए थे वैसे हमने लिख लिया। अच्छा जी, अब देखें क्वेश्चन नंबर है जी 10। क्वेश्चन 10 में
स्टेटमेंट है, एन इलेक्ट्रिक स्टोर सोल्ड फैंस ऑफ थ्री कंपनीज सेल्स फॉर थ्री कंजेक्टिव डेज इज एज फॉलोज, डे फर्स्ट, डे सेकंड, थर्ड डे। और इसमें कंपनीज हैं ए बी सी, और कंपनी ए जो है वो 2 आवर्स सेल्स फॉर थ्री कंजेक्टिव डेज, 2 डेज की सेल जो है डे फर्स्ट में कंपनी ए जो है वो कर रही है सेल, ओके। फिर बी में कंपनी बी जो है वो सेकंड डे में सेल कर रही है। इस तरह टोटल सेल जो है वो 6400 है। अब मैं ये करता हूँ कि ये बेसिकली सोल्ड फैंस ऑफ थ्री कंपनीज हैं। डे फर्स्ट में कंपनी ए के 2 फैन बिक रहे हैं, कंपनी बी के 2 फैन बिक रहे हैं, कंपनी सी का 1 फ़ैन बिक रहा है, ओके। अब एक ए कंपनी का जो फ़ैन है उसकी प्राइस का हमें नहीं पता, जो कंपनी बी है उसकी प्राइस का नहीं पता, कंपनी सी की प्राइस का नहीं पता। जब प्राइस एक एक फ़ैन के कंपनी एक फ़ैन की प्राइस का पता चलेगा तो तब ही इसकी इक्वेशंस बनेगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, लेट कर लेते हैं, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। इसका सोल्यूशन जो है वो लिखते हैं कि कंपनी ऑफ प्राइस ऑफ, मैं लिखता हूँ, लेट प्राइस ऑफ फैन ऑफ कंपनी ए, ठीक है, कंपनी ए की एक फ़ैन की जो प्राइस है वो एक्स रुपीज़ है बेटा, ये आपके सामने मैंने लिख दिया। इसी तरह प्राइस ऑफ कंपनी बी जो है, ओ फैन ऑफ कंपनी बी, ये बेटा मैंने वाई रुपीज़ लेट कर लिया। इसी तरह प्राइस ऑफ फैन ऑफ कंपनी सी जो है वो मैंने जी लेट कर लिया। अब आप ज़रा गौर करें, गौर से देखिएगा, अगर मैं इस डे फर्स्ट की जो सेल है वो फाइंड करना चाहूँ तो इसको मैं 2x एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा, 2x प्लस 2y और प्लस 1 इंटू जी प्लस जी, तो ये टोटल सेल के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से जो इक्वेशंस बनेगी, सो इक्वेशंस बिकम्स, तो ये बेटा डे फर्स्ट की जो सेल है वो बनेगी 2x प्लस 2y प्लस 1 इंटू जी जी इज इक्वल टू 6400, ओके बेटा। अब सेकंड डे की जो सेल है वो बनेगी इसी तरह से 3x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 9100। इसी तरह बेटा फोर्थ डे की जो सेल है वो हमें मिलेगी 1 इंटू एक्स एक्स प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 9200। तो इस तरह से ये तीन जो इक्वेशंस हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हैं, ये हमें मिल गई हैं, बन गई हैं। अब इसको सॉल्व करना है। अब कहीं भी उसने डिटर्मिनेंट मेथड या इनवर्स मेथड या यूज मैट्रिसेस नहीं बोला हुआ, उसने सिर्फ ये कहा है कि डिटरमिन द प्राइस ऑफ ईच फैन प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी ए बी एंड सी। तो अब आप क्रैमर रूल लगा लो या इनवर्स मेथड से कर लो, तो क्रैमर रूल जो है वो कदरे आसान है इनवर्स मेथड से। तो अगर इनवर्स मेथड से वो कह देता है तो फिर तो हम बाउंड हो जाते हैं, हम पे उसने ये शर्त लगा देता है, कंडीशन लगा देता है कि आपने इनवर्स मेथड से करना है। जब उसने मेथड ही नहीं बोला हुआ कि आप जिस मर्जी मेथड से कर लो, तो फिर आप कोशिश करें क्रैमर रूल से कर लो। तो यहाँ से बेटा अब हमने इसका मैट्रिक्स बनाना है, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स, वो आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा। ये देखिएगा आपके सामने, ये मैं लिख रहा हूँ 2 2 1 3 2 2 1 4 2, एक्स है ना सिंगल, तो इसमें इसका कोफिशिएंट जो है वो 1 है। तो ये मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, फिर इसका जो है वेरिएबल्स एक्स वाई जी मैंने लिखे, और फिर उसके बाद जो इक्वल के बाद कांस्टेंट हैं वो 6400 है। इसके बाद आपके पास जो है 9100 है और 9200 है बेटा। यहाँ से मैंने ए मैट्रिक्स इसको लेट कर लिया। अब मैं इसको साइड पे रख देता हूँ। अब हमने यहाँ से आगे कहानी जो है वो स्टार्ट करनी है। ए मैट्रिक्स बेटा मैंने इसको कह दिया 2 2 1 3 2 2 1 4 2, और इसको मैंने जो है वो बी मैट्रिक्स कह दिया 6400 9100
और 90 200 बेटा। ओके अब देखिएगा, सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें डिटर्मिनेंट की ज़रूरत है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं इसका, तो ये आ जाएगा बेटा 221 322 एंड 142। तो एक्सपेंड बाय R1 करते हैं, तो एक्सपेंड बाय R1 किया, देखिएगा बेटा 2 बाहर आ जाएगा और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट हुआ, तो 2 2 4 2 आ जाएगा। सेकंड एलिमेंट के साथ माइनस लिखा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करो, तो बाकी क्या बचेगा 3 2 1 2। और थर्ड एलिमेंट के साथ आपने प्लस लगाना है, तो ये +1 और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट कर दो, तो 3 2 और 1 4 आ जाएगा। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें इसको, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 और ये -2 3 2 ज़ार 6 -2 3 2 ज़ार 6 डिटर्मिनेंट का माइनस और 1 2 ज़ार 2 +1 4 3 ज़ार 12 एंड 1 2 ज़ार 2 ये आ जाएगा बेटा 2 4 -8 -4 -4 इंटू -4 इंटू 2 -8 और ये देखें 4 2 ज़ार 8 और +10 -16 +10 तो ये आ जाएगा -6। तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो आ गई हमारे पास -6 आ गई बेटा। ओके साथ साथ हैं आप, ओके जी साथ साथ रहना है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, तो हमारे पास मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन, एक सेकंड मैं पेज जो है यहाँ से ले लेता हूँ। अच्छा देखिएगा बेटा, अब हमने करना है फाइंड एक्स, तो एक्स के लिए इक्वल होता है डेल्टा एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट, वाई के लिए इक्वल होगा डेल्टा वाई ओवर ए डिटर्मिनेंट और जी इज़ इक्वल टू होगा डेल्टा जी ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब इसमें देखें बेटा, आपने जब डेल्टा एक्स फाइंड करना है तो डेल्टा एक्स के लिए जो फर्स्ट कॉलम है 231 उसकी जगह पर हम लिख देंगे 6400 9100 और 9200 और सेकेंड और थर्ड जो कॉलम है वो एज इट इज़ लिखेंगे 224 एंड 122। ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्सपेंड बाय R1 करेंगे, तो एक्सपेंड बाय R1 किया, तो ये आ जाएगा 6400 बाहर और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो 2242। सेकेंड एलिमेंट के साथ माइनस लिखना है, -2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट कर दो, तो 9100 2 9200 और 2 +1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट कर दो, तो 9100 2 9200 और 4। इसको बेटा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 6400 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 -2 और यहाँ पर आप देखें तो हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि 9100 को मल्टीप्लाई किया मैंने 2 के साथ, तो यह आ जाएगा बेटा 18200 -9200 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो यह आ जाएगा 18400 +1। अब 9100 को आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 9100 को 4 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 36400 माइनस फिर 9200 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो ये आ जाएगा 18400। अब इसको फर्दर जो है वो हम सॉल्व करते हैं बेटा, 4 -8 -4 -4 मल्टीप्लाई बाय 6400, तो ये आ जाएगा बेटा -25600 माइनस, अब देखते हैं 18200 माइनस करते हैं 18400, तो -200 या आ जा -200, इसको 2 से -2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा +400। इसी तरह बेटा यहाँ पर देखें तो 36400 माइनस 36400 माइनस 18400, तो ये आ जाएगा बेटा 18000। 18000 को आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा +18000। इसको सॉल्व कर लेते हैं सबको, ये बनेगा -25600 +400
प्लस 18,000। ओके बेटा, ये आ जाएगा माइनस 7,200। तो यहीं पर ही हम एक्स डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट, और ये आ जाएगा माइनस 7,200। और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने निकाली थी माइनस 6, वो यहाँ पे लिख दें, और एक्स हमें मिल जाएगा, डिवाइड कर देते हैं माइनस 6 के साथ, तो ये आ जाएगा बेटा 1200। ओके, यानी कि कंपनी ए का जो फैन है वो 1200 का है। ओके बेटा, 1200 रुपीज़ का है। ओके, ये बाद में जो है वो हम इसको कर लेते हैं। बाकी मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाता हूँ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बल्कि इसी क्वेश्चन का ही पार्ट है, यानी कि अभी हमने वाई फाइंड करना है। तो y के लिए देखिएगा बेटा क्या कैसे करेंगे। डेल्टा y सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो डेल्टा y के लिए अब आपने फर्स्ट कॉलम को नहीं छेड़ना, और सेकंड कॉलम की जगह पे 2 to 4 की जगह पे अब हम ये लिखेंगे। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन ना यूनिवर्सिटी वाला देता है ताकि आपका ना टाइम ज़्यादा लगे, सही है। तो इसमें आपने कैलकुलेशन जो है ना थोड़ी फास्ट करनी है, तो जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी तो उतने कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी बेटा। तो अब आप देखें, एक्सपेंड बाय R1 करते हैं। तो मैं क्योंकि आपको समझा रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा टाइम जो है वो ज़्यादा लग रहा है। इस तरह से ये आ जाएगा, सेकंड एलिमेंट के साथ हमने माइनस लिखना है। ओके बेटा, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करो तो 3212 आ जाएगा। थर्ड एलिमेंट के साथ आपने प्लस लिखना है, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करो तो 3 9100 1 and 9200। ओके बेटा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। डेल्टा वाई, तो साथ साथ रहिएगा, बिल्कुल बोर नहीं होना आपने। 9100 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो ये आ जाएगा 18,200 माइनस 9200 मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो ये आ जाएगा 18,400, फिर माइनस 6400, 2 3 are 6 माइनस 2 और प्लस 1, 9200 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो ये आ जाएगा 27,600, और माइनस 9100 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये 9100। कैलकुलेशन है, सही है, और इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है बेटा। अब मैं इसको इधर लिखता हूँ, ये बेटा सॉल्व करते हैं। 18,200 माइनस 18,400 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो ये आ जाएगा माइनस 400। 6 माइनस 2 4, और 6400 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ तो ये आ जाएगा बेटा माइनस 25,600। ये आ जाएगा बेटा 27,600 माइनस 9100 तो ये आ जाएगा बेटा प्लस 18,500। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू, सबको सॉल्व करें, इसमें से हम माइनस कर देते हैं 400, माइनस कर देते हैं 25,600 तो ये आ जाएगा माइनस 7,500। बात फॉलो करें, आप सब जाग रहे हैं ना। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। तो y के लिए हम डेल्टा y ओवर a डिटर्मिनेंट बाय क्रैमर रूल जो है वो अप्लाई करते हैं। तो माइनस 7,500 ओवर डेल्टा y, सॉरी a डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो थी वो हमारे पास थी माइनस 6, इसको डिवाइड कर दो माइनस 6 के साथ, तो y की वैल्यू जो है वो 1250 आ जाएगी। यानी कि कंपनी b जो है उस फैन की जो प्राइस है वो 1250 रुपीज़ है बेटा। ओके, अब चलते हैं जी, हम फाइंड करते हैं z वैल्यू के लिए हमें जो है वो डेल्टा z की ज़रूरत पड़ेगी। तो डेल्टा z के लिए आपने क्या करना है, आपने थर्ड कॉलम की जगह पे b मैट्रिक्स जो है वो रिप्लेस कर देना है। तो मैं इधर लिख रहा हूँ, डेल्टा z इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम एज इट इज़, सेकेंड कॉलम एज इट इज़, और थर्ड कॉलम की जगह पे 6400, 9100 और 9200। इसको बेटा सॉल्व करते हैं और एक्सपेंड बाय R1 करते हैं। तो देखते जाइएगा, आप गौर से देखते जाइएगा, फर्स्ट रो से जब एक्सपेंड करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे तो 2 9100 और 4 और 9200। सेकंड एलिमेंट के साथ हम लिखेंगे माइनस, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करेंगे तो 3 9100 1 and 9200। थर्ड एलिमेंट जो है वो एज इट इज़ लिखेंगे 6400, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे तो 3 2 and 1 4 आ जाएगा बेटा। इसको सिंप्लीफाई करो, तो कर लेते हैं जी सिंप्लीफाई। देखिएगा,
9200 मल्टीप्लाई बाय 2। मैं एक एक स्टेप जो है वो आपको समझा रहा हूँ ताकि गलती ना हो सके आप लोगों से। 36400 और माइनस 2, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 9200 और ये आ जाएगा 27600, और 9100 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9100 और प्लस 6400 बेटा, और ये आ जाएगा 4312 और माइनस 2। ये देखिएगा बेटा क्या बनेगा, 18400 में से माइनस करो 36400 तो माइनस 18000 आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ तो माइनस 36000 आ गया। ओके बेटा, अब देखें 27600 में से माइनस किया 9100, 18500 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो माइनस 37000। इस तरह से 6400 मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा तो ये आ जाएगा बेटा प्लस 64000, ये आ जाएगा माइनस 36000, माइनस 37000 और प्लस 64000, ठीक है बेटा, ये आ जाएगा माइनस 9000 ओवरऑल डेल्टा Z की वैल्यू आ जाएगी। तो Z किसके इक्वल है, डेल्टा Z ओवर A डिटर्मिनेंट माइनस 900 ओवर A डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है माइनस 6, तो इसको डिवाइड कर दिया माइनस 6 के साथ तो ये 1500 आ गया, तो Z की वैल्यू जो है बेटा 1500 हमें मिल गई है। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने हर कंपनी की जो प्राइस है फ़ैन की वो फाइंड करनी थी, तो हमने X भी फाइंड कर लिया, X जो है वो हमारे पास आया था 1200, Y की वैल्यू जो है वो हमारे पास आई है 1250 और Z की वैल्यू आई है 1500। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्राइस ऑफ कंपनी ए की जो एक फ़ैन है उसकी प्राइस है बेटा 1200 रुपये। फिर प्राइस ऑफ फ़ैन, इस तरह से आप कंपनी बी भी लिख सकते हैं और उसमें उसकी जो प्राइस थी वो 1250 रुपये है, 1250, ठीक है बेटा। और प्राइस ऑफ अ फ़ैन ऑफ कंपनी सी जो है वो है बेटा 1500 रुपये, ठीक हो गया। इस तरह से ये हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है बेटा, तो इसको आप अच्छे से करना है। ओके, और क्वेश्चन नंबर जो आगे 11 और 12 है उसकी अगर मैं इक्वेशंस बना दूं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसमें आपने नंबर ऑफ, मैं स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं लिख रहा लेकिन आपको मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। द प्राइस ऑफ 5 शर्ट्स एंड 4 ट्राउज़र इज़ 2650 रुपीज़ एंड दैट ऑफ 6 शर्ट्स एंड आगे जो है वो 8 ट्राउज़र्स इज़ 4300, फाइंड द प्राइस ऑफ ईच शर्ट एंड ट्राउज़र। तो ये आपके पास क्वेश्चन है 11, तो इसमें आपने एक शर्ट की जो प्राइस है वो लेट कर लेनी है एक्स रुपीज़ और एक ट्राउज़र की जो प्राइस है वो वाई रुपीज़। तो इक्वेशंस बन जाएंगी, पहली इक्वेशन बनेगी आपके पास क्वेश्चन 11 की 5x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 2650, और दूसरी जो इक्वेशन है वो 6x प्लस 8y इज़ इक्वल टू 4300, ये 2650 है। तो इस तरह से दोनों इक्वेशंस को आपने क्रैमर रूल से सॉल्व कर लेना है और सॉल्व कर लेना है आगे फर्दर आगे। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसमें सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 90 एंड देयर डिफरेंस इज़ 14, तो आप फर्स्ट नंबर x लेट कर लो, सेकंड नंबर जो है y लेट कर लो, दोनों का जो सम है वो 90 है, x प्लस y इज़ इक्वल टू 90 और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 14 है। मेरे पास बुक इधर साइड पे पड़ी है तो वहाँ से मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, तो इसको फिर फर्दर आगे आपने बेटा मैट्रिक्स से सॉल्व कर लेना है। इसके मैं मैट्रिक्स भी बना देता हूँ, 5 4 6 8, फिर एक्स वाई और 2650 एंड 4300, इसके बेटा मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो 1 1 1 -1 और एक्स वाई और ये आ जाएगा 90 और 14, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये हमारी जो एक्सरसाइज है 14.2 ये कंप्लीट होती है। ओके, इसको अच्छे से आपने प्रैक्टिस करनी है, यूनिवर्सिटी के लिए ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है बेटा। तो आगे इंशाल्लाह 14.3 पर जो है वो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो अपना बहुत ख्याल रखें, मेहनत करें, अल्लाह आप सबको कामयाब करे।
वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अपना बहुत ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रायनूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ बेटा।